राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह महिमा कुमारी घूमकर कैंपेनिंग कर रही है, हमारे साथ कुछ लोग हैं इस क्षेत्र के। क्या लग रहा है आपके हिसाब से मेन मुद्दे क्या है राजसमंद क्षेत्र के और महिमा कुमारी के कैंपेन के बारे में क्या कहना है आपको? राजसमंद का हो भाग्य है कि आदरणीय महिमा कुमारी जी मेवाड़ हमारे क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। लोगों में मेन मुद्दे क्या है आपके हिसाब से? यहाँ पर विकास जिस तरह से दिव्या कुमारी जी ने, उप मुख्यमंत्री जी अभी जो वर्तमान में हैं, पूर्व सांसद महोदय ने जिस तरह से विकास की गंगा इस दिल्ली सरकार से ला करके केंद्र सरकार से की थी, उसी तरह से महिमा कुमारी जी हमारे बीच में रह करके जिस तरह की रेल की योजना, जल्द नल जल योजना, जिस तरह का जो मोदी जी का विजन है उसको लेकर के महिमा जी पूर्ण रूप से इस क्षेत्र के विकास में। क्या आपको लगता है पूर्व राजघराने से महिमा जी आती हैं, उनके पति विश्वराज सिंह विधायक हैं, इस बात का फायदा मिलेगा क्या उनको? जरूर फायदा मिलेगा, पूर्व राजघराने से आने का जरूर फायदा मिलेगा और अच्छे वोटों से। लोग किस तरह से देखते हैं सर ऐसे लोग जो कि फॉर्मर रॉयल फैमिलीज को, पूर्व राजघरानों को बिलोंग करते हैं और उम्मीदवार बनते हैं? कई ऐसे हैं जो चुनाव जीत भी चुके हैं, दिया कुमारी उनमें से ऐसे राजघराने से मिलने से शिवी जोशी को मात दे दी, तो अब महिमा कुमारी जी यहाँ से कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या आपको लगता है बड़ा उनका यूएसपी क्या है आपके हिसाब से? ये पहली बार चुनाव लड़ेंगे अगर, तो आप क्यों मानकर चल रहे हैं इतने भारी मार्जिन से वो जीतेंगे? क्योंकि राजघराने से आते हैं और सब उनको विधानसभा में अच्छा काम किया, तो ये स्वस्थ विधानसभा में किसने अच्छा काम किया? उनके पति विधायक है ना? पति विधायक है, उन्होंने भी अच्छा काम किया महिमा कुमारी जी ने। गांव गांव ढाणी में जाके ढाणी महिला गांव ढाणी में जाके उन्होंने अच्छा काम किया है। आप बताएं सर, आपको लगता है क्या एडवांटेज मिलता है इस बात का कि पूर्व राजघराने से आती हैं अगर, तो लोग अट्रैक्शन है क्या सर? बिल्कुल है, ये मेवाड़ परिवार ऐसा है कि सदियों से इन्होंने कभी निस्वार्थ जनता की सेवा की है, आज भी मतलब इनमें जो स्वाभिमान जो कोई जिंदा है तो मेवाड़ में है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं सर, पर पारिवारिक विवाद भी रहा है परिवार के अंदर ही, अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उनके खिलाफ जो लीगल बैटल चलती रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह से? पारिवारिक विवाद तो उनके स्तर पे है, परंतु हमारे जो मेवाड़ के जो महाराणा है महेंद्र सिंह जी, वर्तमान में हमारा महाराणा है, उनके कुंवरा साहब हैं विश्वराज सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी है महिमा कुंवर जी, जो भाजपा से हमारे राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है और यहाँ से भारी मत से विजय होंगे, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो 1400 साल पुराना है मेवाड़ के इतिहास में। हमारे मेवाड़ में इतने सालों से इन्होंने राज किया और यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे लोगों को, हमारे गाँव वालों को उन्होंने सुविधाएं दी, अब तो सरकारें आ गई है, सरकार तो किस प्रकार पर, उन्होंने उस समय में जो हमारे पानी की जो व्यवस्था की थी, जैसे उदय सागर है, फतेह सागर है, हमारा राजसमंद झील बनवाई। आपका क्या मानना है सर, ये यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या आपको लगता है वो टिक पाएंगे महिमा कुमारी के सामने? नहीं टिकेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने तो कोई टिकेगा ही नहीं। आपका मानना है मोदी के नाम पर वोट मांगेगी? बिल्कुल, मोदी के नाम मोदी ही है। तो ये यहाँ पर प्रोमिनेंट सेंटिमेंट आप देख सकते हैं, लोगों का मानना है कि मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी और ये भी कहना है कि जो पूर्व राजघराने के तरफ से उम्मीदवार हैं उनका एक अट्रैक्शन होता है, उनके टूवर्ड्स लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है, चुनाव का नतीजा क्या रहेगा वो 4 जून को पता लग जाएगा। पर साफ तौर पर यहाँ पर एक माहौल जो है वो फिलहाल के लिए महिमा कुमारी के पक्ष में दिख रहा है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, नाद्वारा, राजसमंद, आज तक।